दोस्तों यहाँ पे YouTube मोनेटाइजेशन को लेके बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है YouTube की तरफ से। ये देखो, ये जो अपडेट है YouTube मोनेटाइजेशन की, एक न्यू पॉलिसी है जो कि 2020 की नई अपडेट है। यहाँ पे क्या है कि देखो, अगर आप एक नए यूट्यूबर, मतलब आपका 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, छोटी छोटी ऐसी गलती हो जाती है जिससे आपका चैनल या तो डिसेबल हो जाता है या तो आपका मोनेटाइजेशन ही नहीं हो पाता। देखो, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ। देखो, अगर आज से 2016 के पहले की बात करें हम, तो क्या होता था कि अगर आप YouTube पे वीडियोस डालते हो तो आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आ गए, मतलब कुछ टाइम बाद ऐड आ जाते थे और आप पैसे कमाने लग जाते थे। मतलब कोई भी ऐसी कुछ टर्म एंड कंडीशन नहीं थी। हालांकि 2016 के बाद से YouTube ने क्या किया कि आप अपने वीडियो पे, मतलब कि टोटल में 10,000 व्यूज़ लाओ, उसके बाद आपका जो चैनल है मोनेटाइजेशन हो जाएगा। मतलब कि 10,000 व्यूज़ लाना पड़ता था पहले, उसके बाद में धीरे धीरे समय बढ़ता गया और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स भी आ चुके थे। तो फिर एक नई पॉलिसी सामने निकाली यूट्यूब ने, जिसमें क्या हो रहा था कि आपको 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए था। अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो यूट्यूब चैनल है मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में 2019 में फिर एक नई अपडेट सामने निकल के आई, जिसमें आपको क्या करना है कि 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटा वॉच टाइम तो चाहिए ही चाहिए, साथ में यहाँ पे आपका जो चैनल है अंडर रिव्यू में जाएगा, उसके बाद में मोनेटाइजेशन होगा। पहले क्या है कि जैसे ही आपने कंप्लीट कर लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, तो आपका मोनेटाइजेशन हो जाता था। लेकिन आपका फिर अभी की अपडेट में आपका चैनल पहले रिव्यू में जाएगा, उसके बाद में आपको गूगल एडसेंस फॉर्म फिलअप करने होते हैं, फिर आपका चैनल जो कि मोनेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है, 2020 की अपडेट बता दूं तो साथ ही साथ आपको 12 महीने के अंदर में ही आपको 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, ये भी अपडेट सामने निकल गया है। लेकिन अभी 2020 की अगर हम अपडेट की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका अगर चैनल एक बार डिसेबल हो गया तो फिर इनेबल नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखो, YouTube सबसे पहले अब क्या करने वाला है, आपकी थीम चेक करने वाला है। ये थीम बता दूं मैं आपको, जैसे आप वीडियो बना रहे हो तो वीडियो किस कंटेंट पे है, मतलब आप किस तरह के कंटेंट आप वीडियो बना रहे हो, आपके जो YouTube का चैनल है आपका कंटेंट क्या है, क्या आप टेक चैनल में वीडियो बना रहे हो या आप कॉमेडी वीडियो बना रहे हो। मतलब अगर मान लो आप टेक चैनल में वीडियो बना रहे हो, मतलब टेक से रिलेटेड वीडियो बना ली, उसके बाद में आपने कोई एक दो वीडियो कॉमेडी डाल दी, उस पर व्यूज़ आ गए, अच्छे खासे वॉच टाइम आ गए, तो वो यहाँ पे YouTube नोटिस करने वाला है। मतलब कि अगर आपका कॉमेडी से रिलेटेड वॉच टाइम आता है तो वो फिर काउंट नहीं होने वाला है, मतलब कि मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा आपका। दूसरी यहाँ पे बात याद रखना है कि आपका मोस्ट वीडियोज़ व्यू, मतलब कि आपकी जो मोस्ट वीडियो जो अभी पॉपुलर हुई है, कोई भी एक वीडियो जैसे कि आपकी रैंक कर जाती है, तो उस वीडियो को चेकआउट करेगा कि व्यूज़ किस तरह से आए, क्या कुछ कॉपीराइट है उस वीडियो में, या एडवर्ब के थ्रू प्रमोट किए हो, या इस तरह से पूरा देखा जाएगा। अगर आपने एडवर्ब के थ्रू प्रमोट किया अपने चैनल को, उस वीडियो को, तो मतलब आपका जो वीडियो है उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होने वाला है, मतलब कि मोनेटाइजेशन फिर भी आपका इनेबल नहीं होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। और थर्ड, जो कि आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, तो जो वॉच टाइम आपका कंप्लीट हुआ है उस पे जो YouTube है देखेगा कि किस वीडियो पे सबसे ज़्यादा वॉच टाइम आया, मतलब किस प्लेटफॉर्म से आया, क्या आपका सोशल एक्टिविटी, मतलब व्हाट्सअप से, फेसबुक से, अगर आपका लिंक शेयर करके आपने वॉच टाइम कंप्लीट किया, या तो फिर YouTube के सब्सक्राइबर ने आपको देख के आपको वॉच किया है, तो ये सब सारे वॉच टाइम आपके कंप्लीट होंगे। मतलब आपको जो ऑर्गेनाइजेशन व्यूज़ आपको चाहिए, ऐसे नहीं कि आप फेक व्यूज़ ला रहे हो, तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला है, मतलब ऑफिशियली आपका जो व्यूज़ है आना चाहिए, तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिव्यू कंटेंट। देखो, ये जो रिव्यू कंटेंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप यूट्यूबर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बता दूँ, ये रिव्यू कंटेंट में क्या होता है, आपने अगर कोई एक वीडियो बनाई है टेक से रिलेटेड, या कोई भी एक वीडियो बना ली, वैसे ही वीडियो आप 3 कंटिन्यू बना लेते हो, मतलब कि आपका जो टाइटल है और वीडियो का जो कंटेंट है सेम है, आपने कंटिन्यू, आपकी फर्स्ट वीडियो पे व्यूज़ बहुत आ गए, तो आपने सोचा कि सेकंड भी बना लेता हूँ और फिर उसी से रिलेटेड थोड़ा हट के थर्ड भी बना लेता हूँ, हालांकि टाइटल और कंटेंट दोनों सेम है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब यूट्यूब आपका जो चैनल है डिसेबल भी कर सकता है, हालांकि वॉच टाइम तो कंप्लीट नहीं होगा, साथ में आपका डिसेबल भी हो सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे भी आपको याद रखना है। कंटिन्यू वीडियो नहीं बनाना है तीनों एक एक टॉपिक पे, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अपडेट जो कि नोटिफिकेशन को लेकर, देखो ये नोटिफिकेशन की जो अपडेट है इसके बारे में बता दूं कि अगर आप यूट्यूब के डेस्क मोड पर अगर आप देखते हो, तो वहां पर आपको सब्सक्राइबर भी शो हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके जो सब्सक्राइबर उसमें कितने ने बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, तो वो भी आपको शो हो जाता है। लेकिन जो नोटिफिकेशन की जो न्यू अपडेट है, इसमें क्या है कि जैसे आपने वीडियो पब्लिश की,
आपकी जैसी वीडियो YouTube पे आ गई उसके बाद में जैसी जो बंदा आपका एक्टिव है, जो सब्सक्राइबर ने बेल आइकन करके प्रेस करके रखा है, वो इंस्टेंट आपका जो वीडियो है जो नोटिफिकेशन के थ्रू वॉच करता है तो आप शो हो जाएगा, मतलब आपके जो YouTube YT स्टूडियो उसमें शो हो जाता है कि आपका कितने बंदे आपके जो प्रेजेंट एक्टिव है आपके सब्सक्राइबर, तो ये भी आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी अपडेट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो यार एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।